खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रेम प्रसंग के चलते घर में घुसकर प्रेमिका समेत तीन को मारी गोली। फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। 2,500 करोड़ की ड्रग जब्त, चार गिरफ्तार। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के आमला थाना क्षेत्र में शनिवार को एक युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते घर में घुसकर प्रेमिका सहित तीन लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी युवक ने भी खुद को गोली से उड़ा लिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस अधीक्षक सीमाला प्रसाद ने बताया कि बोर्ड की आमला निवासी पेशे से ट्रक ड्राइवर आरोपी भानु ठाकुर की बरका सोनी से करीब 6 वर्ष से दोस्ती थी। वह उससे शादी करना चाहता था लेकिन किसी कारण से दोनों का विवाह नहीं हो पा रहा था, जिससे भानु तनाव में था। इसी कारण उसने दोपहर में भवानी नगर में घर में आकर बरका सोनी को गोली मार दी। इसी दौरान उसके बीच बचाव करने आए बरका के मामा का लड़का बंटी सोनी को भी गोली मार दी। गोली चलने की आवाज सुनकर दौड़कर कमरे में आए पड़ोसी लक्की पाल को भी आरोपी भानु ने गोली मार दी, जिससे तीनों की मौत हो गई। इसके बाद आरोपी ने स्वयं को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी ने सुबह से घटना को अंजाम देने का प्लान बना लिया था। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें हत्याएं करने के लिए स्वयं को जिम्मेदार ठहराया गया। वीडियो में उसने यह भी बताया कि बोर्ड की आमला निवासी राकेश हरोडे से पिस्तल खरीदी थी। पुलिस ने हरोडे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मौके से 2 पिस्तल भी जब्त की है। चारों मृतकों का पोस्टमार्टम कराया गया है। दूसरी खबर, दिल्ली पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ कर 15 महिलाओं समेत 25 लोगों को रोहिणी से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने मुख्य तौर पर पूर्णोत्तर के राज्यों और ओडिशा के लोगों को लॉटरी योजना के जरिए सस्ते दाम पर मोबाइल देने की पेशकश कर उनके साथ धोखाधड़ी की। यहाँ सुल्तानपुरी इलाके में रहने वाले राम कुमार श्याम कुमार गोविंद इस कॉल सेंटर के मालिक है। तीसरी खबर, दिल्ली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कल 350 किलोग्राम हेरोइन जब्त की। इस हेरोइन का मूल्य करीब 2500 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। इसके साथ इस स्पेशल सेल ने एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 3 हरियाणा से गिरफ्तार किए गए है और 1 आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।